बीते 9.5 साल रहे हैं जनजातीय सम्मान के, जनजातीय स्वाभिमान के, जनजातीय कल्याण के, और ये सब संभव हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भली भांति समझने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों के कारण। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ, उन्हें देश में हो रहे विकास का लाभ मिला। भारत जनजातीय विविधता से भरा देश है। यहाँ हिमालय से अंडमान व निकोबार तक 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियां हैं। देश की अभूतपूर्व विकास यात्रा में सभी भागीदार हों और कोई पीछे न छूटे, इसलिए देश के सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली करीब 75 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कर रहे हैं। इस मिशन के तहत देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,500 गांवों में रहने वाली 28 लाख जनजातीय आबादी कवर होगी। आज जब देश लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं से 100% लाभार्थियों को जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास कर रहा है, तो ये मिशन योजना में शामिल जनजातीय समुदाय के लिए 100% कवरेज के साथ स्थानीय कला और परंपरा के अनुरूप सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेय जल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, बिजली, दूर संचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका तक सभी सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक और समग्र पहल है। इस योजना के द्वारा मोदी सरकार की गारंटी है कि कवरेज क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदायों को मिलेगी मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, होगी हर घर सिकल सेल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, इन समुदायों में भी आईएमआर और एमएमआर होगा बाकी देश के समान, युवाओं को मिलेंगे शिक्षा और छात्रवृत्ति के मौके, साथ ही वन धन केंद्रों से मिलेंगे रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर। मोदी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इन सभी परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। इन समुदायों का सटीक डेटा एकत्र करने और पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डेटा मैपिंग में सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई गई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी आज लॉन्च कर रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन प्रारंभ हो रही ये योजना इस बात को रेखांकित करती है कि वंचितों को वरीयता ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है।